नमस्कार दोस्तों, मैं कोठारी आचार्य विनोद और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे HMT ट्रैक्टर है, और HMT ट्रैक्टर हमारे पास काम होने के लिए आया है हाइड्रोलिक का। तो हाइड्रोलिक में क्या प्रॉब्लम है वो आपको वीडियो में देखने को मिलेगा आगे, तो वीडियो को आप कंटिन्यू देखिए, और नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड, और वीडियो को अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों यारों को, ताकि उन्हें भी नॉलेज है, जानकारी उन्हें तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड, फटाफट वीडियो को हम शुरू करते हैं, और हम आपको दिखाते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह होती है ट्रैक्टर में। वजह तो बहुत सारी होती है हाइड्रोलिक नीचे डाउन होने की, मगर जो वजह है इस ट्रैक्टर में वो हम आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या वजह निकली। और जैसे जैसे नई नई वजह, जैसे फॉल्ट प्रॉब्लम आती है ट्रैक्टर में, जैसे हाइड्रोलिक डाउन होने की प्रॉब्लम बहुत सारी होती है, पर एक प्रॉब्लम नहीं होती है कि एक ही सिस्टम की वजह से हाइड्रोलिक डाउन होता है, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी वजह होती है डाउन होने की हाइड्रोलिक। तो मगर जो प्रॉब्लम आई है इस ट्रैक्टर में HMT 3522FX, इसमें वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड थैंक यू, वीडियो देखिए पूरा और स्किप मत करिए, हम स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा दिखाएंगे कि इसमें क्या फॉल्ट निकला है, और आपको वीडियो के लास्ट में उसको चेक करके दिखाएंगे कि जो उसमें फॉल्ट था हाइड्रोलिक डाउन होने का, वो डाउन हो रहा है या नहीं हो रहा है, पूरी टेस्टिंग करके दिखाएंगे। तो फ्रेंड नमस्कार, तो ट्रैक्टर स्टार्ट करने के बाद हमने हाइड्रोलिक को ऊपर कर दिए, लीवर को पूरा पीछे कर दिए हैं, और इसकी हम टेक चेक कर रहे हैं कि इसका हाइड्रोलिक कितनी देर में डाउन हो जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने लाइव प्रूफ के साथ थोड़ा बता रहे हैं ताकि आपको भी पता पड़ जाए। तो ये देख सकते हो इसमें कोई इम्प्लीमेंट नहीं लगा है, कल्टीवेटर कुछ भी नहीं लगाया है अभी, ये खाली में ही इसका जो ट्रैक्टर का हाइड्रोलिक है वो डाउन हो रहा है, नीचे चला जाता है ऑटोमेटिक। तो इसकी क्या वजह हो सकती है फ्रेंड, तो ये कंटिन्यू बने रही है हमारे यूट्यूब चैनल पर ये देखने के लिए। तो इसके लिए क्या होगा कि हमें खोलना पड़ेगा हाइड्रोलिक। तो ये सीट हमने खोल लिए हैं, और सीट खोलने के बाद हम इसका टापा खोलेंगे। टापा खोलने के बाद फिर हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम निकली हाइड्रोलिक डाउन होने की। तो चलिए फ्रेंड, कंटिन्यू बने रहिए वीडियो में। तो फ्रेंड आप देख सकते हो हाइड्रोलिक टापा ये खुल चुका है, और इसको हम अब उतारेंगे। और उतार जैसे अभी हम उतार रहे हैं हाइड्रोलिक टापा, और उतारने के बाद फिर हम आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम निकली हाइड्रोलिक के अंदर, जिसकी वजह से हाइड्रोलिक डाउन हो रहा था। तो इसको हम फटाफट उतार लेते हैं, और इसको खोलेंगे, इसका जो रेम सिलेंडर है और डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह, और पूरा अच्छे से चेक करके फिर इसको हम वापस फिट करके, और आप लोगों को फिर हम चेक करके दिखा देंगे फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड फटाफट, पहले तो हमें इस टापे को उतारना है अभी, और उतारने के बाद इसे खोलना भी हमें, तो इसे हम फटाफट खोल लेंगे और फिर हम आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड ये खुल चुका है हमारा जो हाइड्रोलिक टापा, और इसके बाद हमने रेम सिलेंडर उसका निकाल लिए हैं, और इसके बाद हम इसका जो पिस्टन हमने निकाल लिया, और आप देख सकते हो इसमें कि ये ओरिंग है इसकी जो ख़राब निकली है, ये देख सकते हो पूरी ओरिंग गल चुकी है फ्रेंड, टूट चुकी है, फट चुकी है।
पूरी ख़राब हो चुकी है, इसमें कुछ नहीं बचा, वो रिंग पूरी डाउन हो चुकी है रैम फेंडर की। और इसके बाद हम इसका जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको भी हम चेक करेंगे, कहीं से लीकेजिंग वगैरह तो नहीं है, और वायरिंग वगैरह उसकी चेक करेंगे, और फिर हम आपको दिखाएंगे कि इसमें पहली वजह तो आपने देख ली डाउन होने की, और हो सकता है इसमें दूसरी वजह और भी निकल गया, तो ये फ्रेंड चेक करने के बाद ही हमें पता चलेगा। तो फटाफट कंटिन्यू बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना फ्रेंड। तो चलिए फटाफट हम जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको खोल लेते हैं और उसको हम चेक करेंगे, और फिर हम आपको दिखाएंगे कि डिस्ट्रीब्यूटर में कुछ प्रॉब्लम है या फिर रैम सिलेंडर की वायरिंग से ही इसमें काम है वो हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, रैम सिलेंडर की वायरिंग तो हमने नई इसमें डाल दी है, और ये इसकी पुरानी वायरिंग आप देख सकते हो कट चुकी थी इसमें वायरिंग, और अब इसकी वायरिंग है वो बिठा देंगे हम रैम सिलेंडर में, और इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि इसमें एक ही वजह निकली या इसके बाद अदरवाइज दूसरी और भी वजह इसमें ट्रैक्टर में आई हुई है। तो चलिए फ्रेंड, कंटिन्यू बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, और नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो ये पिस्टन हम अभी इसको फिट कर रहे हैं, तो जब भी आप फिट करो तो इसमें थोड़ा बहुत ऑयल लगा लेना है, और इसमें रिंग होती है, रिंग का वैसे ध्यान रखना, जब भी ऐसे आप लगाओ तो रिंग टूटना नहीं चाहिए, आपको दोनों हाथों से पकड़ के ऐसे और रिंग को दबाना है अंदर की ओर गाले में, ताकि जो रिंग है अपनी जो सिलेंडर में बैठ जाए। तो ये पिस्टन बैठ चुका है, और पिस्टन बैठने के बाद सामने आप देख रहे हो डिस्ट्रीब्यूटर की टेस्टिंग वगैरह हो गई, तो डिस्ट्रीब्यूटर सही है इसका, खाली इसमें रैम सिलेंडर की वायरिंग डली, और ये ट्रैक्टर स्टार्ट है अभी, और इसकी अब ये हम चेक करेंगे, इसमें हम इसमें दो बंदे को बिठाएंगे इसमें ड्रावर पट्टी लगाने के बाद, पहले इसमें अब हम इसमें ड्रावर पट्टी लगाएंगे, और ड्रावर पट्टी लगाने के बाद इसमें ये दो बंदे को हम इसमें खड़ा करेंगे, और कुछ मिनट के लिए हम इस हाइड्रोलिक को यहीं पर होल्ड करेंगे कि होल्ड होता है या नहीं होता है। तो चलिए फ्रेंड, ट्रैक्टर स्टार्ट है, और ट्रैक्टर को हमने कर दिया है बंद, और ट्रैक्टर अभी देखना हाइड्रोलिक होल्ड है, अभी नीचे नहीं आ रहा, और पहले क्या हो रहा था कि खाली कुछ भी इसमें नहीं था, जिसके बाद भी इसका हाइड्रोलिक डाउन हो रहा था। तो वीडियो कैसा लगा फ्रेंड कमेंट करके ज़रूर बताना, और नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।